तो हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है फिर से मेरे एक और न्यू फ्रेश वीडियो में। एंड आज के वीडियो के लिए आप लोग इतने एक्साइटेड हो गए मुझे पता है। एंड टाइटल और थंबनेल देखा है तो आप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए होगे, क्योंकि यार बात ही ऐसी क्योंकि OB27 अपडेट का जो हम लोग का एडवांस सर्वर होता है वो आज ओपन हो चुका है। एंड काफ़ी सारे चीज़ें गेम में नई देखने को मिली है एंड काफ़ी सारे चीज़ में चेंजेस भी देखने को मिला है। तो यार पार्ट बाय पार्ट वीडियो आते रहेगा, तो आपको बस चैनल को सब्सक्राइब कर देना है एंड वीडियो को लाइक कर देना ताकि आप कोई भी वीडियो मिस नहीं करोगे। एंड यार एडवांस सर्वर अभी 8 दिन तक ओपन रहेगा, तो ये 8 दिन में काफ़ी वीडियोस आपको देखने को मिलेगी इधर हमारे चैनल में। तो बस आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना है एंड बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर देना है। इस वीडियो में बेसिकली मैं आपको दिखाने वाला हूँ जो हम लोग के अपकमिंग न्यू इमोट्स होने वाले हैं एंड जो कैरेक्टर्स में चेंजेस आपको देखने को मिले हैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। एंड जो कुछ छोटे मोटे अपडेट्स जैसे हम लोग के न्यू गन का, फिर एलीट एंड्रू का, तो उनका क्या सीन होने वाला है उसका फर्स्ट लुक मैं आपको इधर दिखाऊंगा। तो यार वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो यार प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना एंड एंड तक ज़रूर से देखना। तो जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं एंड सबसे पहला जो अपडेट निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है हम लोग का इमोट से रिलेटेड। तो OB27 अपडेट के बाद आपको काफ़ी सारे नए इमोट देखने को मिलेंगे एंड उनमें से एक इमोट ये होने वाला है जो कि बुगिया का इमोट होने वाला है। एंड आप बताना आपको कैसा लगा ये इमोट। टोटल 5 नए इमोट सामने निकल के आए हैं एंड ये 5 इमोट काफ़ी मुझे अच्छा लगा। आप बताना आपको कैसा लगा ये पहला इमोट जो कि बुगिया के थीम पर ऐसा लग रहा है। एंड जो ये दूसरा इमोट है ये आपको फ्री फायर वर्ल्ड सीरीज के टाइम में देखने को मिलेगा एंड फ्री फायर वर्ल्ड सीरीज में आपको काफ़ी सारे नए दूसरे चीज़ भी देखने को मिलेंगे, दूसरे थीम के आइटम जो कि मैं आपको आने वाले वीडियो में बताऊंगा, बट ये इमोट आपको फ्री फायर वर्ल्ड सीरीज में देखने को मिलेगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं दूसरे अपडेट के बारे में, जो हम लोग का तीसरा इमोट होने वाला है। तो यार ये तीसरा इमोट जो हम लोग का है ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा एंड काफ़ी फनी इमोट है, तो आप बताना आपको कैसा लगा। एंड ये भी आपको किसी वेब इवेंट या फिर टॉप अप या अलग अलग तरीके से जैसे कि हमारे इंडियन सर्वर में आता है इमोट उस तरीके से देखने को मिलेगा। अब हम लोग का जो चौथा इमोट है ये चौथा इमोट हम लोग का काफ़ी मुझे अच्छा लगा एंड ये काफ़ी सिंपल इमोट है, हाथ जोड़ रहा है, इंडियन स्टाइल है, यार काफ़ी मुझे अच्छा लगा। आप बताना आपको कैसा लगा ये इमोट एंड ये इमोट भी आपको देखने को मिलेगा OB27 अपडेट के बाद। एंड यार ये जो इमोट, ये इमोट अभी तक ओपन हुआ नहीं है, मैं इसका अपडेट आपको इंस्टाग्राम पे दे दूंगा, तो यार उधर मेरे को जरूर से फॉलो कर लो। बस इतना पता चला है कि ये जो इमोट है ये हम लोग का जो नेक्स्ट इवोल्यूशनरी गन होने वाला है M10 14 के थीम पे ये आपको देखने को मिलेगा जो कि इवोल्यूशनरी वेपन नेक्स्ट होने वाला है। अब हम लोग बात कर लेते हैं जो हम लोग का एलीट एंड्रू होने वाला है। एलीट एंड्रू का आप लुक देख सकते हो, सबसे पहला लुक मैं आपको दिखा रहा हूँ इधर, तो यार लाइक करना बनता है एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बनता है। तो यार ये अगर हम लोग बात करें एलीट एंड्रू होने वाला है एंड इसका स्किल अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, इसका स्किल बेसिकली यही होने वाला है कि जो आपको एंड्रू पहले प्रोटेक्शन देता था एनिमी का, मतलब एनिमी आपको डैमेज देगा तो आपको कम डैमेज पड़ेगा, आपका जो रिड्यूस करता है डिडक्शन डैमेज का। तो ये अब क्या होगा कि अब अगर आपके स्क्वाडमेट भी अगर इसे यूज़ करेंगे तो ये आपको एक्स्ट्रा जो रिडक्शन देगा एंड एक्स्ट्रा डैमेज को रिड्यूस करेगा, तो ये स्किल होने वाला है एंड्रू कैरेक्टर का, तो मैंने आपको बता दिया। अब जो हम लोग का दूसरा अपडेट है वो निकल के आ रहा है हम लोग का पेट से रिलेटेड। एंड यार मैंने आपको पेट का फोटो ऑलरेडी इंस्टाग्राम पे बताया था एंड यार सबसे पहला इन गेम लुक मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो यार इसके लिए लाइक करना बनता है। तो यार ये न्यू पेट का आप लुक देख लो, ये एलियन टाइप का पेट लग रहा है एंड काफ़ी क्यूट पेट है। आप बताना आपको कैसा लगा ये पेट एंड ये पेट आपको जल्द ही देखने को मिलेगा हमारे इंडियन सर्वर में भी। अब यार जैसे हम लोग का पेट आता है हमेशा की तरह टॉप पे आपको देखने को मिलेगा ये पेट। एंड यार ये पेट की अगर एबिलिटी की बात करें तो ये पेट का एबिलिटी यही है कि अगर आप हमारा मेडिकिट यूज़ कर रहे हैं या फिर रिपेयर किट यूज़ कर रहे हैं एंड उस वक्त अगर आपको डैमेज एनिमी देता है तो ये उसका डैमेज को बहुत कम कर देगा, मतलब रिड्यूस कर देगा। तो यार उतना भी खास मुझे नहीं लगा, तो आप बताना आपको कैसा लगा ये पेट। एंड ये पेट की डिटेल मुझे अगर और मिलती है तो मैं आपको इंस्टाग्राम पर बता दूंगा, बट हालांकि अभी तक जो इन गेम में बताया जा रहा है कि ये पेट का स्किल यही होने वाला है कि जब भी आप मेडिकिट यूज़ कर रहे हो या फिर रिपेयर किट यूज़ कर रहे हो तब आप जो डैमेज अगर आपको पड़ता है उस वक्त तो ये उसे रिड्यूस कर देगा। तो ये था इसका। अब हम लोग बात कर लेते हैं गेम में आपको डबल USP देखने को मिलेगा जिसके बारे में यार काफ़ी मतलब चर्चा में हो रही थी कि यार आएगा कि नहीं आएगा, तो यार फाइनली आप इसका लुक देख सकते हो, डबल USP आपको देखने को मिलेगा इन गेम में। एंड यार डबल USP का क्या कुछ फ़ायदा होगा या नहीं होगा गेम में, क्या इसकी यूज़ बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, हालांकि अगर ये G18 में आता तो यार काफ़ी काम का चीज़ होता, बट USP में दिया है तो उतना भी खास इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा डबल USP के आने से। तो आप बताना आपको कैसा लगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं ट्रेनिंग ग्राउंड, जैसे कि मैंने आपको इंस्टाग्राम पर बताया था कि
जो हम लोग का ट्रेनिंग ग्राउंड में जो हम लोग का ये एक नया आपको रेसलिंग रिंग टाइप का लगेगा, एंड इधर आप जो हम लोग का फिस्ट फाइट का प्रैक्टिस कर सकते हो, ऐसा कुछ इसमें लाया गया है। एंड यही सिंपल बस जस्ट फॉर फन के लिए लाया गया है। तो ये रिंग आपको देखने को मिलेंगे, एंड ये रिंग में आप फिस्ट का प्रैक्टिस कर सकते हैं किसी भी रैंडम एनिमी के साथ। तो ये कैसा लगा आपको बताना, काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट लाया गया है गरीना ने, एंड ये आपको देखने को मिलेगा ट्रेनिंग ग्राउंड में। सोशल जो जोन होता है उसमें आपको ये देखने को मिलेगा। तो ऐसा कुछ होने वाला है, फिस्ट का प्रैक्टिस करो दोस्त लोग के साथ, बस ऐसा ही कुछ सीन है इसका। तो आप बताना आपको कैसा लगा ये चीज़, एंड ये आपको ट्रेनिंग ग्राउंड में ओबी 27 अपडेट के बाद देखने को मिलेगा। तो ओबी 27 अपडेट के बाद आपको एक नया गन देखने को मिलेगा, जिसके बारे में आपको बताया था गॉड इनहोल का नाम। एंड यार ये चीज होने वाला, ये मशीन को नहीं होने वाला, अगर आप इसे क्राउच करके मारोगे तब आपको ये शॉट गन जैसा भी एक्ट करेगा। तो यार काफी अच्छी बात है, 2-in-1 आप इसका यूज कर सकते हो। अब हम लोग बात कर लेते हैं कुछ सबसे मेन टॉपिक के ऊपर, जो कि इस वीडियो का बेसिकली मोटिव था, कि कैरेक्टर्स में आपको चेंजेस देखने को मिले। काफ़ी सारे कैरेक्टर्स में आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे, एंड उसमें सबसे जो मेन कैरेक्टर था वो था हम लोग का क्रोनो और वोकोंग। काफ़ी अच्छा चेंजेस उसमें लाया गया है, एंड उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। बट सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं रेफेल कैरेक्टर के बारे में। याद है आपको, रेफेल कैरेक्टर बहुत पहले आया था, एंड यार उसका यूज़ बिल्कुल ही मतलब कोई करता ही नहीं था। तो उसको ताकि गेम स्टेबल रहे, चाहे ताकि सारे कैरेक्टर का इक्वल कॉम्पिटिशन हो, इसलिए रेफेल कैरेक्टर का जो पहले एक्टिव स्किल होता था अब उसे पैसिव में बदल दिया गया। एंड इसका स्किल यही था कि अगर आप स्नाइपर यूज़ कर रहे हो, या फिर अगर आप कोई भी राइफल गन यूज़ कर रहे हो, एंड अगर आप एनिमी को मार रहे हो, तो यार साइलेंसर लगा हुआ रहता है ऑटोमेटिकली। अगर आप लगाओगे भी या फिर नहीं भी लगाओगे, तब भी आपको कुछ सेकंड के लिए साइलेंसर का इफेक्ट देखने को मिलेगा। एंड इसका जो एक चीज़ और चेंज लाया गया है, कि अगर आप किसी डाउन, अगर आप एनिमी डाउन कोई किया हुआ है, अगर आप उसे मारोगे तो फिर उसका जो हेल्थ है, जो कि कुछ सेकंड के लिए वो जिंदा रहता है, तो वो जल्दी जल्दी रेड्यूस होगा और जल्दी मर जाएगा। तो ये स्किल होने वाला है रेफेल का। अब हम लोग बात कर लेते हैं A124 का, जिसका भी यूज़ कोई अब करता ही नहीं था। तो उसमें भी चेंज यही लाया गया है कि हर 4 सेकंड में अगर आपके 20 EP है तो वो कन्वर्ट हो जाएगा HP में हर 4 सेकंड के लिए, एंड कूल डाउन उसका सिर्फ और सिर्फ 10 सेकंड है। तो इसमें भी आपको चेंजेस देखने को मिला है। बट यार जो सबसे मेन चेंजेस है वो है हमारा क्रोनो कैरेक्टर में, क्योंकि यार काफ़ी ज़रूरी था इसमें चेंजेस लाना, एंड गरीना ने मतलब फाइनली मान लिया, एंड आप लोग खुश हो जाओ जिसके पास भी क्रोनो नहीं था। एंड यार जिसके पास क्रोनो था, बस आप लोग अब क्या करो, रो जाके कहीं पर कोना में। तो यार बेसिकली अब हम बात कर लेते हैं स्किल के बारे में। तो स्किल अब इसका यही है कि जो पहले इसका शील्ड था 600 ब्लॉक करने वाला डैमेज, वो तो अभी भी है, बट यार ये कर दिया कि जो कूल डाउन था वो पहले था सिर्फ और सिर्फ 40 सेकेंड, एंड अब उसे कर दिया है 200 सेकेंड। मतलब पहले क्या होता था कि 40 सेकेंड होता था, फिर क्रोनो वापस यूज़ कर लो, 40 सेकेंड होगा वापस क्रोनो यूज़ कर लो। बट अब क्या हो गया, पूरे गेम में मतलब बहुत कम टाइम आप यूज़ कर पाओगे क्रोनो को, 200 सेकंड का कूल डाउन कर दिया, तो जो कि काफ़ी ज़्यादा है। एंड जो एक और चेंजेस लाया गया है हमारा क्रोनो कैरेक्टर में, वो ये है कि इसका जो ड्यूरेशन है वो भी कम कर दिया है। मतलब अगर आप शील्ड लगाओगे तो मैक्सिमम आप लेवल जब पूरा मैक्स कर लोगे, तब आप सिर्फ और सिर्फ 8 सेकंड के लिए ही वो स्किल को, यानी वो शील्ड को यूज़ कर पाओगे। अगर जब आप मैक्स कर लेते हो, जब आपका लेवल 1 रहता है, तो सिर्फ 3 सेकंड में आपका जो शील्ड है वो गायब हो जाएगा। तो ये चेंजेस लाया गया है। मज़ा आया, और मैं ये जो मज़ा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। क्रोनो में बाकी डिटेल्स मैंने पोस्टर में दे दिया है, इंस्टाग्राम में भी दे दिया है, तो उधर जाके फॉलो कर लो, एंड उधर आपको और डिटेल्स में पता चल जाएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं वोकोंग कैरेक्टर में। तो यार वोकोंग कैरेक्टर में भी काफ़ी चेंजेस लाया गया है, एंड जो सबसे मेन चेंजेस इसके ये किया है कि जो उसका कूल डाउन है वो 50 सेकंड कम कर दिया। मतलब पहले 300 सेकंड का था कूल डाउन, अब इसे 250 कर दिया है। और इसका एक और चेंजेस ये लाया गया है कि अगर आप मान लो कि एक बार वोकोंग को यूज़ कर लिए, तो आपको 250 सेकंड वेट करना पड़ेगा। बट अगर उसी दौरान आपने किसी एनिमी को वापस मार दिया, कोई अलग एनिमी को, तो वो जो स्किल है वो रीसेट हो जाएगा, यानी आप तुरंत वापस से यूज़ कर पाओगे। तो यार इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो आएगी विथ वीडियो के साथ, मैं आपको बताऊँगा। तो बस डिटेल वीडियो के लिए वेट करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं वीडियो के साथ आपको एक्सप्लेन करूँगा आने वाले टाइम में। तो यार बस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो गाइस अब हम लोग बात कर लेते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। तो एक और जो हम लोग कस्टम रूम का जो कार्ड है, उससे रिलेटेड एक अपडेट निकल के आया है। एंड यार स्पेशल कस्टम कार्ड आपको देखने को मिलेगा रेड कलर का, जिसमें बेसिकली ये होगा कि आपको एक खुद का एक स्पेशल मैकेनिज्म दिया जाएगा कि आपको क्या सेट करना है, किस पीपल के क्या प्राइस सेट करने हैं, अगर एक राउंड जीतने पे आपको कितने पैसे देखने को मिलेंगे वापस नेक्स्ट राउंड के लिए। एंड साथ ही साथ जो हम लोग का
स्पेशल फीचर आपको देखने को मिलेगा ये स्पेशल कस्टम कार्ड में, जो कि रेड कलर का देखने को मिल रहा है, एंड बस यही है इसमें। तो गाइस आज की वीडियो के लिए इतना ही, आई होप आपको सारा चीज़ समझ में आ गया होगा। एंड टेंशन मत लेना, जो कैरेक्टर के ऊपर मैंने बताया उसका मैं डिटेल एक्सप्लेनेशन भी लाऊंगा वीडियो के साथ, ताकि आपको और अच्छा से समझ में आए। तो बस उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना है एंड वीडियो को लाइक कर देना, ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करो। OB27 अपडेट सामने आए, ये 7-8 दिन जो एडवांस सर्वर का होगा उसमें काफ़ी सारे चीज़ें न्यू मैं आपको दिखाऊंगा। तो बस आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना है एंड वीडियो को लाइक कर देना है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।